अब काफी लोगों का सुनाना रहता है कि हम हैंगिंग कैसे करें, हैंगिंग करना नहीं आते। हमने नॉर्मल से रस्सी ली है प्लास्टिक की, तो इसे हम नीचे लेकर जाएंगे और हम देखेंगे कि इसे कितना हमने यहाँ रखना है। और जैसे मानो कि हमने इसे यहाँ तक रख दिया है और अब हम इसे यहाँ से इसे दोबारा ऊपर लेकर जाएंगे और इसकी तीन लेयरें चार लेयरें बना देंगे। जैसे हमने इधर कर दिया, इसको नाइफ के साथ हम इसे काटेंगे, ठीक है। जैसे हमने मानो कि हमने इतना सा रखा है ऐसे, अब हम इसे ऊपर ले जाएंगे दोबारा, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ काट भी सकते हैं ऐसे, और हमने इसे बंद कर देना नीचे। ये तीन लाइनें हो चुकी हैं, ठीक है। काफी आसान है फार्मिंग करना। और इसके बाद जैसे ऊपर जाएगा और फिर हम नीचे लेकर आएंगे, और ये जो चार ले रहे हैं मैं आगे तक दिखा देता हूँ, इस तरीके से चार ले रहे हैं आ जाएंगी। और ऐसे करके आपको यहाँ पे दोबारा कट लगा लेना है, इस तरीके से कट लगाना है। फिर इसको यहाँ से पूरा बराबर कर देना है। बराबर करने के बाद जहाँ भी इसका एंड हो उसे बंद कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से हम इसे बंद कर देंगे, ठीक है। बंद करने के बाद अब ये दो रस्सियाँ इस तरफ कर देंगे, दो इस तरफ कर देंगे। और ये रही ऑस्टर मशरूम के बैग, अब इसे हैंगिंग किया जाएगा। हैंगिंग करने के लिए सबसे नीचे चले जाएंगे हम, और ये देखो कितने इजीली तरीके से ये हैंगिंग हो चुकी है। रस्सी अगर थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो जाए तो उसे ठीक कर लें। ओ सॉरी, ये टूट चुका है। अब इसे ठीक किया जाएगा रस्सी को, क्योंकि दो इस तरफ करनी है, दो इस तरफ करनी है। और इस तरीके से आप हैंगिंग कर सकते हैं, ठीक है। हैंगिंग हो चुकी है अभी। अब इसे दूसरे बैग को लगाने के लिए हम इस रस्सी का फिर इस्तेमाल करेंगे, और यहां से हम इसे बांधना शुरू करेंगे। हम इसे यहां से बांधेंगे इस तरीके से, अच्छा से आपको टाइट कर देना है ताकि बैग गिर ना जाए। ओके, ये सेकंड जो ओस्टो मशरूम के बैग को बनाने की जगह बनाई जा रही है, तो इसे भी हम रस्सी से काट लेंगे इस तरीके से। अब इसे यहां पर हम बांधेंगे। यहां बांधने के बाद आपको इस तरीके से प्रोसेस करना है और इसको टाइट बांधना है। ढीला नहीं, ढीला रखोगे तो ऊपर वाला बैग अच्छे से नहीं आएगा। इस तरीके से यहां पे करना है, मतलब एक तरीके का इसका स्टैंड बनाना है कि जो दूसरा वाला बैग है वो इजिली इस पे बैठ जाए और ना कोई गिरने की प्रॉब्लम बने, ठीक है। जितना आप इसे टाइट रखोगे ना उस तरीके से ये बनाया जाएगा, अच्छा बनेगा। अब हम इसे यहीं पे बंद कर देंगे। देखो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है। ऑयस्टर मशरूम में क्या रहता है कि आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद इसमें ना ही वॉशिंग होती है इसकी, इसको डायरेक्ट पैक करके मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। बटन मशरूम में थोड़ी मेहनत है, उसकी केसिंग देनी पड़ती है, बड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, पर इसका वैसा नहीं है। इस तरीके से हमने, ये आप देख सकते हैं, इसके लिए हमने ये बना दिया है। और अभी हम इस पे दूसरा बैग आराम से रख लेंगे, ठीक है। इस तरीके से बन गया है। अब दूसरा जो बैग है बटन, अब ये वाला बैग देखो, इसे हैंगिंग करने का, ये इजीली से इसका स्टैंड बन गया है। और इस तरीके से आपको ऑयस्टर मशरूम के जो है बैग हैंगिंग करना आपने सीख लिया है, और बड़ा इजी है। अगर एक लाइन में भी चार बैग आएंगे तो अगर आप दो तीन बैम्बो लगाओगे तो काफी ज्यादा बैग आपके आ सकते हैं। अगर नीचे रखोगे तो काफी ज्यादा स्पेस लगेगी, खर्चा ज्यादा होगा और शर्ट बनाने में काफी ज्यादा और समय लगता है और पैसा और बात होता है। लेकिन इसमें क्या है कि ऑयस्टर मशरूम अच्छे से ग्रो करेगा, चारों साइडों से हवा यहाँ से लगेगी, यहाँ से हवा लगेगी, और जो एक्स्ट्रा इसमें पानी है वो नीचे गिर जाएगा, क्योंकि हमने इसमें होल किए हुए चारों साइडों से 10 10 15 15, उसकी वजह से। हमने बैग को हैंगिंग कर लिया है ऑयस्टर मशरूम फार्मिंग के लिए। हमने इसे हैंगिंग करके रखा हुआ है, चार बैग एक पे आए हुए हैं, ये रस्सी से नॉर्मल सा किया हुआ है। इस तरीके से ऑयस्टर मशरूम लगाने से क्या होता है कि
इसे चारों तरफ से हवा लगेगी और जो अष्टम मशरूम है जैसे हमने इसमें यहाँ पे शुरुआत किया हुआ है तो वहां से इजिली बाहर निकलेगी। अगर आप इसमें जमीन में रखते हैं नीचे से सर्दी इसको लगेगी और ये अच्छे ग्रो नहीं करेगी और नीचे से कीटाणु कीटाणु लगने का काफी ज्यादा डर रहते हैं। हैंगिंग करने से क्या होता है कि कोई भी इसमें कीटाणु नहीं लगेगा, अच्छे से इसमें स्प्रे हो जाएगी, ऊपर वाले में स्प्रे करोगे नीचे वाले हो जाएगी और एक्स्ट्रा जो पानी है इसमें रह चुका होगा तो वो सब अपने आप बाहर निकल जाएगा। तो डाउन में क्या होता है, अगर आप जमीन में रखते हैं तो उसमें खर्चा ज्यादा आता है, पूरी शेल्फें बनानी पड़ती हैं। इस तरीके से आप 70 से 80 रुपए की आपको रस्सी मिलेगी और एक बैम्बो लेके आप अच्छे से हैंगिंग कर सकते हैं और ऑस्ट्रो मशरूम की फार्मिंग कर सकते हैं। कोई और जानकारी अगर आपको मशरूम के रिलेटेड चाहिए, फार्मिंग के रिलेटेड, आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है।